नीश ए नीचे नहीं या नाइची नहीं या नीची नहीं या कुछ भी नहीं है। नीश की होंगे वा नीश होंगे जिद अपनी खास इंटरस्ट हो दैट इज अ नीश। जिमें आप कही कि कल आप कही यार मुस्कान जी बिजनेस वूमन बन गई। आप कही मुस्कान जी इन्ना वाला बिजनेस किमें चलाया तुम तो कहोगे सर एक्चुअली जो टॉपिक मैं चूज किया ना जी फील्ड में चूज किया इट वॉज माई नीश मैंने पसंद ही है नीश ही मेरी। क्लियर है बहुत सारे वर्ड्स होंगे इस तरह के जिहड़े लिखे किसी होर तरीके जाते पर बोले किसी होर तरीके जाते। क्लियर है जिवें नीश वर्ड आ गया अपने को एक वर्ड आ गया इनकी प्रोनंसिएशन की है आपको पता इनकी प्रोनंसिएशन जैनर नहीं है गैनर नहीं है जैनरी गैनरी कुछ नहीं इनकी प्रोनंसिएशन वा जॉनर। जॉनर की होंगे वा जॉनर द टाइप ऑफ बुक्स। क्लियर है बेसिकली बुक्स म्यूजिक ते मूवीज लिए यूज होंगे वा जिवें मैं कहां कि मूवीज के मामले च अरपन जी थोड़ा फेवरेट जॉनरा कि अरपन जी कहो सर आई लाइक एक्शन हॉरर ठीक है थ्रिलर रोमांटिक दीज आर ऑल जॉनरस। ओके क्लियर है जॉनरा जॉनर भी कहते हैं जॉनरा भी कहते हैं काफी सारे वर्ड्स है एक्चुअली देखियो ध्यान दो करना ना मैनू उपरा रैंड ने बाद लिख लो एक बार इधर ध्यान दो बड़ी जब तो चीज दस दो ठीक है जिमें कि इनकी प्रोनंसिएशन की होगी ठीक है हुण इहदे च की आ आर साइलेंट हो सो पिछला आर भी साइलेंट हो इट इज नॉट बर्गर नॉट बुरगेर ठीक है इट इज ब ग बग ठीक है यानी बग जिवें अपने को आ गया प्रोनंसिएशन की है हुण जिहड़ा कहूगा नूडल्स ठीक है नूडल्स लिखिया या नूडल्स पता नहीं पर नूडल क्यों कहने ठीक है प्रोनंसिएशन की है पिज्जा जो भी डबल सेट आजूगा ठीक है उदो द इटालियन डिश है जो भी डबल सेट आजूगा तो द बोले जाऊंगा ना थोड़ा पिज्जा ना कि पिज्जा पिज्जा। क्लियर है सही प्रोनंसिएशन अपने को आ जाता वा पिज्जा उत्ते टॉपिंग आती है की इनकी प्रोनंसिएशन हैलपीनोज ना कि जेलपीनोज क्यों क्योंकि जे जड़ा वा वो एच साउंड ना बिकॉज स्पेनिश मैक्सिकन ओरिजिन। क्लियर है सब्जी इतों की नहीं है हुण आपां एक बार मैं पिज्जा खाण गया मैंने कहा हैलपीनोज कहिंदा की मैं कहा हैलपीनोज कहिंदा की मैं कहा जेलपीनोज कहिंदा ओके ठीक है सो जे दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे तुहाडी इंग्लिश उहदे करके तुसीं अपनी इंग्लिश नहीं खराब करनी उहदी गलती हो इहनूं ह भी कहा जांदा जी इहनूं हैलपीनोज ह हैलपीनोज भी कहा जाता जी। हर एक भाषा च प्रोनंसिएशन अलग होंगी है जिमें कि जो अपने को फ्रेंच आ जाती है ना फ्रेंच के र नू र नहीं कहा जाता उन्हों ह कहा जाता सो जे आप बोलेंगे ना रोज तो रोज नहीं बोलते 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 हाउस। हर एक भाषा च अपनी अपनी प्रोनंसिएशन है और रमन नहीं बोलते बोलते हमन ठीक है क्यों क्योंकि हर एक भाषा च अपनी अपनी प्रोनंसिएशन इस तरीके हैलपीनोज इन मैं ना एक बार एक स्पेनिश कुड़ी दे नाल चैट करदा हुंदा है इंस्टाग्राम ते काफ़ी साल पहला दी गल क्लीयर है ते उन्हों इंग्लिश नहीं आती मैनू स्पेनिश नहीं आती ठीक है वो 26 ईयर्स दी मैं उस टाइम 16 17 साल का वो 26 ईयर्स दी ही ते स्कूल च पढ़ाती किड्डे खुश होंदे आ कहानी सुन के ना एजुकेशन वाली चीज़ ही आ गलत मतलब कढ़ना ना हर चीज़ का इन्ना तुसीं कहिंदे इहो जिहे कहानी तो सुनो ठीक है सो उन्हों इंग्लिश नहीं आती मैनू स्पेनिश नहीं आती सो मैं की करदा हाँ गूगल ट्रांसलेटर करके सो कॉपी पेस्ट लेके गूगल ट्रांसलेट पेस्ट गल करना सर जो भी मैं मान लो कोई फनी गल करनी ना उन्हें अगे मैं लिखना जा 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 मतलब हा 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 सही है ना सो इन मैं उन्हें कहना जा 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 मैं कहना ओके बाय ठीक है सो उदो मैं पता लगा एक्चुअली ज नू ह बोलते हैं लोग ताइयो हैलपीनोस बोल लेता फिर अपने को ड्रिंक आती है मोजीतो नहीं होंगे की होंगे वा मोहितोज हुंदा वा क्यों क्योंकि ज इज एच। बड़े सारे वर्ड्स अपने को वर्ड आ गया हाँ वेरी गुड रेस्टोरेंट नहीं रेस्ट्रॉ पिछला टी है ही नहीं है रेस्ट्रॉ किया रेस्ट्रॉ सलून नहीं सैलॉन सैलॉन न नहीं है सैलॉन ट्रेस में दी मशहूरी आती ना सैलॉन लाइक हेयर सही है सैलॉन सलून नहीं सैलॉन। फिर अपने को वर्ड आता वा कपड़े
कंफर्टेबल, कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, फॉलो पूरा खत्म ही नहीं करना, कंफ नहीं करना, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। सो हुण तुसीं बोल के देखो कि तुहानूं आपे लगा आई फेल्ट रियली कंफर्टेबल, हुण कंफर्टेबल वर्ड लगता ना, कंफर्टेबल, ठीक है, इट वॉज रियली कंफर्टेबल, ठीक है। इसे तरीके का वर्ड आता अपने को बिल्कुल सही, टबल देगा पर वेजी नहीं है, वेजिटेबल्स, वेजी नहीं है, वेजिटेबल्स, सही है, वेजिटेबल्स, ओके है, देख रहा, बड़े वर्ड्स आ, सब तो ज्यादा गलत स्टूडेंट्स करते हैं, वो अपना लगे है स्पेनिश गुड़े हैं, उन्होंने बाज ही नहीं आंट को स्पेनिश तो बाहर ही नहीं आ पा रहे, ठीक है, इधर देखो सर, ठीक है, सो यस, सो देखो इनकी प्रोनंसिएशन की है, एक सिंगुलर एक प्लूरल, इनकी प्रोनंसिएशन की है, ज्यादातर जनता इन बोलते हैं वूमैन, जो कोई इंसान वूमैन बोलता ना मेरे दिमाग च एक अलग जी इमेज बन जाती है, एक बंदे की इमेज बन जाती है, ठीक है, बहुत घिनौनी इमेज बन जाती बेसिकली, ठीक है। सो इनकी प्रोनंसिएशन की है, वूमैन नहीं की वूमन, इनकी की है वी मिन, मैन नहीं है, अगर सिंगुलर होगा तो वुमन, प्लूरल होगा तो वी मिन, ठीक है, वीमिन, ओके है, क्लियर है, बड़िया प्रोनंसिएशन जी आप गलत कर देने, आखो वर्ड हाँ गलत हो गया, फोटोग्राफर नहीं, ठीक है, फोटोग्राफर, फोटो नहीं आ होना नहीं है कनोड़ा वा, फटो, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी ना कि फोटोग्राफी, किया फोटो नहीं है, आदत हटानी पैनी है, ये तो बोल बोल के रुका, फोटोग्राफर, जो कोई नवा वर्ड सीखना मैंने दो से तोड़ के पढ़ो, फोटोग्राफर, हाँ सर, फोटो, फोटोग्राफ हुंदा वा, फोटोग्राफ, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी, ना कि फोटोग्राफी, फोटोग्राफर, ठीक है, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी, क्लियर है, इस तरह ही बोलना पैना, तुहाडा एक्सप्रेशन वेख के लगता पाया हाए आ की जाबे आ, पर अफसोस इन्हें बैंड होंगे जो स्पीकिंग के जे इंसान फोटोग्राफर बोलता तो इंसान फोटोग्राफर बोलता तो बैंड होंगे क्योंकि दिस इज प्रोनंसिएशन, कोई इंसान कंफर्टेबल बोलता तो कोई इंसान कंफर्टेबल बोलता दिस इज प्रोनंसिएशन, इन्हना सीखना जरूरी है, सही है, जिमें काफ़ी सारे जाने ना डिवेलपमेंट नू डेवलपमेंट बोल देंगे, डिवेलपमेंट हों, डिवेलपमेंट, क्लियर है, हाँ सुनो सब तो ज्यादा स्यापा पाया पूछिए ना घर साडा स्केजुअल नहीं है ना, वर्ड्स ही दो प्रोनंसिएशन आ वर्ड्स ही है, ठीक है, वर्ड दो प्रोनंसिएशन आ, या तो ब्रिटिश या तो अमेरिकन, अमेरिकन वा स्केजुअल, स्केजुअल नहीं, स्केजुअल, ठीक है, किया स्केजुअल, तो या फिर ब्रिटिश शेड्यूल, सौखा कह रहा हो तो शेड्यूल बोलो ना, रोके कहने हुण की करते हैं इनप्रॉपर, कहते हैं अद्धी इनफॉर्मेशन भी जी खतरनाक होंगी, सो की करते हैं हाफ इनफॉर्मेशन, जिमें कलर द स्पेलिंग सी ओ एल ओ यू आर, हूँ कहते नहीं नहीं बई सी ओ एल ओ आर हो गए, हो नहीं गए वो ब्रिटिश है अमेरिकन है, ठीक है, जिमें आप बोलते हैं वॉटर, वॉटर, वॉ ओ दी साउंड आती, ब्रिटिशर्स बोलते हैं वॉटर, अमेरिकन बोलते हैं वारर, वा ओ वाह की साउंड आते वारर, वॉटर एंड वारर, सो इन दिस फिर क्या हम आप वारर थोड़ी बोलने लग पाएंगे, वॉटर ही बोलेंगे ना, नॉर्मल बोलते पाए जान दो, शेड्यूल बोलो, स्केजुअल नहीं बोलना, ठीक है, तुम सुन के गाने ना, ठीक है, उन्हें स्केजुअल पूछ लेना, उसे नहीं कि मैं पूछा ना कर सकता स्केजुअल नहीं, सही है, क्लियर है, सो सही करना इन प्रोनंसिएशन, ओके है, तो मैं दस दवा वर्ड्स हों वा, ध्यान रखियो वर्ड हों वा, वर्ड्स नहीं हों, वर्ड्स हों वा, वर्ड्स नहीं हों, वर्ड्स, वर्ड्स, बेसिकली हुण तुहानूं समझ आऊगी, बेसिकली ध्यान दो, तुहानूं कन्फ्यूजन होती ना, अपने को दो साउंड होंगे वा स्पीकिंग डबल्यू ते वी, ठीक है, जिमें मैं बोला वेंट, ए वेंट केड़ा वेंटीलेशन वाला वेंट, ते एक आ गया वेंट, दोनों की प्रोनंसिएशन अलग होंगी सेम नहीं होंगी, वी कितना बोलिया जाता वा, वेखो अपने जो लिप्स, लिप्स है ना, इन्होंने दो पार्ट्स होंगे, एक आ आउटर पार्ट होंगे ड्राई पार्ट, एक अंदरला हिस्सा होंगे वेट पार्ट, ठीक है, गिला वाला हिस्सा,
ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵ, ਵਰਬਸ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਵ, ਵਵਾ, ਵ, ਬਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਵ, ਬਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਜੀ, ਵ, ਸਿਰਫ ਟੀਥ ਟੱਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਪਸ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾ, ਵਾ, ਵੈਨ, ਵੇ, ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਟ, ਵੈਨ, ਵੇਅਰ, ਨਹੀਂ, ਵੈਨ, ਵੇ, ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੈਂਟ, ਵੈਂਟ, ਵੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਵੈਂਟ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੁਮਨ, ਵੁਮਨ ਨਹੀਂ, ਵੁਮਨ, ਵਿਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਮਨ, ਵਿਮਨ, ਹਾਂ, ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਧਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਬਲਯੂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ, ਟ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਨਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਡਬਲਯੂ ਵੀ ਪੀ ਟੀ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 13 ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਈਆਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਪੀ ਟੀ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ, ਟ ਤੇ ਕ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਹਵਾ ਜਾ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਫ ਬੋਲਦੇ, ਕ ਦੀ ਗਾ ਖ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਟ ਦੀ ਗਾ ਠ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਮਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਛ, ਛ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਟੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਿਊ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਛੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦਾ ਧਿਆਨ ਦੋਗੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਵਾਸ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਾਰ, ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਵਾਸ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਾਰ, ਪ, ਖ, ਠ, ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਪਾਰਕ ਟੂ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਵਾਸ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਵਾ ਟੀ ਐਚ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥੱਥਾ ਤੇ ਦੱਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫੱਫਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ 31, 32, 33, ਨਾ ਕਿ 31, 32, 33। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਨਾਸੀਏਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਐਕਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਈ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਕਸੈਂਟ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਕਸੈਂਟ ਵੈਸੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਨਾਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ।